Assalamu alaikum everyone, welcome to a new English lesson. Suppose there is a person standing in front of you in a state of immense anger and you just want to calm that person down. How would you do that? Well, in this lesson you are going to learn 17 different phrases you can use to calm other person down. So let's begin. Our first word is relax. जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और वो बहुत गुस्से में बोल रहा हो तो उसको काम डाउन करने के लिए ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है, हर कोई यूज़ करता है कि रिलैक्स यार, रिलैक्स रिलैक्स, मतलब कि तुम क्यों इतना भड़क रहे हो, इतना गुस्से में क्यों हो, तो जस्ट रिलैक्स। तो ये बहुत ही कॉमन है और ये आप बहुत कॉमनली हर जगह पर यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हर जगह पर, ठीक है। आ सेकेंड फ्रेज इज़ टेक इट ईजी। टेक इट ईजी का मतलब भी यही होता है कि यार ज़रा बी काम, रिलैक्स, क्या हो गया है, थोड़ा सुकून में आओ, इतना गुस्से में क्यों हो। टेक इट ईजी भी बहुत कॉमन है और ये बड़ा कॉमनली यूज़ होता है। तो कोई भी इंसान आपके सामने बहुत गुस्से में हो या एकदम से वो शाउट करने लगे तो आप उस इंसान को आगे से कह सकते हैं टेक इट ईजी। टेक इट ईजी मतलब कि काम डाउन, थोड़ा गुस्सा कम करो और फिर अपनी बात कहो। अ थर्ड एक्सप्रेशन इज गिव इट अ रेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि अब इस बात को छोड़ दो। आपने अक्सर कुछ लोगों को देखा होगा कि उनको अगर किसी एक बात पे गुस्सा आ गया है, कोई एक बात उनको नागवार गुजर गई है, तो वो बार बार उस बात का जिक्र करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं और अपनी अपने उस गुस्से का इजहार करते रहते हैं, चाहे अगले इंसान ने अपनी उस बात पे अपोलोजाइज कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, अक्सर दोस्तों में ऐसा होता है कि एक दोस्त ने कोई ऐसी बात कह दी जो दूसरे को बुरी लग गई। अब जो पहले दोस्त ने जिसने वो बात कही उसको रियलाइज़ हुआ कि ओहो मेरी ये बात, या मैंने ये जो जोक किया है या कुछ भी कहा है तो ये मेरे इस फ्रेंड को बुरा लग गया, तो वो अपोलोजाइज़ कर लेता है कि सॉरी यार, मैंने ये बात कही, तुम्हें बुरी लगी, तुम्हें गुस्सा आया, तो आई एम सॉरी। लेकिन वो जो पहला इंसान है ना, वो उस बात को छोड़ ही नहीं रहा, वो बार बार उसी बात को रिपीट किए जा रहा है, तुमने ये गलत कहा, तुमने ये गलत कहा, तुम्हारे इस बात कहने की वजह से मैं बहुत हर्ट हुआ, मैं बहुत, अक्सर लोगों में ये आदत होती है। तो आप ऐसी जगह पर उस इंसान को कह सकते हैं भाई गिव इट अ रेस्ट, ही ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड यू, या आई ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड यू, नाउ गिव इट अ रेस्ट एंड मूव ऑन, मतलब इस बात को छोड़ दो और आगे बढ़ो। तुम उस बात को बार बार कहे जा रहे हो, एक इंसान ने अपोलोजाइज भी कर दिया है, उसने रियलाइज भी कर लिया है, सो गिव इट अ रेस्ट एंड मूव ऑन। आर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज गो ईजी। गो ईजी आप ऐसी जगह पर कह सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब आपने किसी को ये कहना हो कि डोंट बी हार्श, इतने हार्श ना हो। जैसे अगर आप किसी इंसान को देख रहे हैं कि वो किसी दूसरे इंसान के साथ बहुत हार्श हो रहा है, या आपके साथ भी बहुत हार्श हो रहा हो, या बहुत उसके साथ बहुत बुरे तरीके से बात कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हैं गो ईजी, मतलब थोड़ा ईजी रहो, डोंट बी सो हार्श, इतना गुस्सा करने की या इतना करने की वो ज़रूरत नहीं है, गो ईजी। आर फिफ्थ एक्सप्रेशन इज टेक अ डीप ब्रेथ। टेक अ डीप ब्रेथ आप ऐसी जगह पे कह रहे हैं कि किसी इंसान को किसी बात पे बहुत गुस्सा आया है और वो गुस्से की वजह से ना, जिसको वो कहते हैं ना आग बगोला होने वाली कैफियत में होना, कि वो बहुत ही ना वो बस गुस्से वाली कैफियत में और वो बस लाल पीला हो रहा है गुस्से में, तो ऐसी सिचुएशन में दूसरे इंसान को रिलैक्स करने के लिए आप कह सकते हैं कि टेक अ डीप ब्रेथ, यार एक ठंडी सांस लो, एक डीप जो है ना गहरी सांस लो, ताकि ये जो तुम्हें एकदम से बहुत गुस्सा आया ना, वो थोड़ा गुस्सा तुम्हारा काम डाउन हो। सिक्स एक्सप्रेशन इज स्लो डाउन। स्लो डाउन का मतलब होता है थोड़ा आराम से बात करो, थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। ये जो आप देखिएगा, अक्सर लोग जो गुस्से में होते हैं ना, उनकी टोन जो है ना वो बहुत ऊपर चली जाती है और उनके जो अल्फाज हैं वो बड़े हार्श हो जाते हैं और वो बहुत तेज़ी से बोलने लग जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें कोई शख्स जो है वो गुस्से की वजह से बस एकदम से उसकी टोन जो है ना वो बहुत ऊपर चली गई और वो बहुत ही जो है ना मतलब हार्श हो गया और वो बहुत तेज़ 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 बोल रहा है, तो उस वक्त आप उसको कहते हैं कि प्लीज़ स्लो डाउन, स्लो डाउन, रिलैक्स रहो, काम डाउन और स्लो होकर फिर बात करो अपनी। आर सेवेंथ एक्सप्रेशन इज कंट्रोल योरसेल्फ। अच्छा, ये थोड़ा सा रूड और सीरियस है। पहले तो ना कि थोड़े से पोलाइट है, स्लो डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, गो ईजी, ये है कि आप बड़ा पोलाइटली दूसरे इंसान को कह रहे हैं। कंट्रोल योरसेल्फ का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी ऐसे सिचुएशन में है कि जो नेक्स्ट इंसान है, या तो उसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है, या थोड़ा फॉर्मल किस्म का रिलेशन है, या दूसरा इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है गुस्से में,
मतलब गुस्से में वो इतना हार्श हो रहा है कि वो कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि जो इंतहाई इनप्रोप्रिएट है, जो बहुत ही बुरे हैं। अक्सर लोग गुस्से में अपने लफ्ज़ों पे ध्यान नहीं रखते हैं और वो दूसरे इंसान को समटाइम्स इंसल्टिंग वर्ड्स जो हैं वो कह जाते हैं। तो ऐसी जगह पे आपको भी गुस्सा अगर आ रहा है लेकिन आप गुस्सा करना नहीं चाह रहे हैं और दूसरे इंसान को जो है वो थोड़ा लिमिट में करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये कहेंगे कंट्रोल योर सेल्फ, कि खुद को कंट्रोल करो। जो इस वक्त तुम ये बोल रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। ये जो तुम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये इंतहाई नामुनासिब हैं। तो ऐसी जगह पे आप थोड़ा अपनी टोन को मतलब कि हार्श नहीं कह सकते, थोड़ा अपनी टोन को सख्त करके, थोड़ा ऊपर करके, तो फिर आप कह सकते हैं कि कंट्रोल योर सेल्फ, तुम अपनी लिमिट से बाहर निकल रहे हो। नेक्स्ट वन इज चिल आउट। चिल आउट एक बड़ा स्लैंग किस्म का है, ये फॉर्मल नहीं है, ये स्लैंग है। ये अक्सर दोस्तों में इस्तेमाल होता है। कोई दोस्त तैमी किसी बात पे गुस्सा करने लग जाए ना, तो बाकी दोस्त हंस रहे हो तो वो कहते हैं यार चिल आउट, रिलैक्स रहो, ये मतलब कि मजाक ही था, तुम क्यों इतने सीरियस हो रहे हो। सो डोंट बी अपसेट, जस्ट चिल आउट। नेक्स्ट वन इज लूजन अप। लूजन अप का मतलब भी यही होता है कि ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल दोस्तों की गैदरिंग है, और अक्सर दोस्तों की गैदरिंग में होता है ना कि वो मजाक चलता है, और अब एक दोस्त ने मजाक किया, कोई जोक क्रैक किया, दूसरे दोस्त को जो है ना वो बुरा लग गया, तो वो थोड़ा उसको पर्सनल हो रहा है या थोड़ा सीरियस हो रहा है, तो आप तब कह सकते हैं लूजन अप, मतलब रिलैक्स रहो भाई, इट वॉज जस्ट अ जोक, तो तुम इतना सीरियस ना हो, जस्ट रिलैक्स, और इसको मतलब फन में लो इन सारी चीज़ों को, सिमर डाउन। अच्छा, सिमर डाउन ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ गैदरिंग है फ्रेंड्स की कह सकते हैं, या वर्क प्लेस पे हो सकता, कहीं भी हो सकती है, और किसी एक बात की वजह से कुछ लोगों में गुस्सा आ गया है, एक दो दोस्तों में या इस तरह से, और वो बहुत मतलब कि मतलब जो सिचुएशन है ना वो बड़ी हार्श किस्म की हो गई है, बड़ी सीरियस किस्म की हो गई है, और गुस्से से एक दूसरे को जो ना वो गुस्से का जो ना बातों मतलब एक दूसरे को गुस्से वाले जुमले जो है वो एक दूसरे की तरफ फेंके जा रहे हैं। तो उस ऐसी सिचुएशन में एक तीसरा बंदा कह सकता है कि सिमर डाउन प्लीज़, मतलब काम डाउन हो जाओ, क्वाइट हो जाओ, खामोश हो जाओ, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, एंड गेट ऑन विद योर वर्क, मतलब कि बस इस बात को छोड़ दो, बस काम डाउन हो जाओ और अपने अपने कामों में लग जाओ, और बस जैसे होता है ना कि दो दोस्त अगर आपस में बहुत एंग्री हो रहे हैं बड़ा, और वो बस जो पॉइंट है ना वो लड़ाई तक पहुँचने ही वाला है, तो उस सिचुएशन में आप बोलेंगे कि प्लीज़ यार सिमर डाउन एंड गेट ऑन योर विद योर वर्क, कि बस खामोश हो जाओ, बस छोड़ दो इस बात को और अपने अपने काम में लग जाओ। ओके, जस्ट ड्रॉप इट। जस्ट ड्रॉप इट भी आप ऐसी जगह पे कह सकते हैं जहाँ पर एक इंसान जो है वो किसी एक बात को खामखा में तूल दे रहा हो, और मतलब आपको लग रहा है कि अगर इस टॉपिक को और ज़्यादा हमने डिस्कस किया तो बात बहुत ज़्यादा लड़ाई में जो है ना वो कन्वर्ट हो सकती है। जैसे होता है ना समटाइम्स कि किसी एक बात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया दो लोगों का, और वो उस बात पे जो है ना बस एक एक इंसान एक बात बोल रहा है, दूसरा उसके रिप्लाई में दूसरी बात बोल रहा है, ना पहला दूसरे की बात को समझने की कोशिश कर रहा है, ना दूसरा पहले की बात को समझने की कोशिश कर रहा है, और ऐसी सिचुएशन हुई थी कि बस बहस हुए जा रही है और कोई भी अपना पॉइंट छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो उस वक़्त के बजाय इसके के सिचुएशन और सीरियस हो और झगड़ा और बढ़ जाए, तो उस सिचुएशन में जब आप कह सकते हैं कि बस इस बहस को ख़त्म करने के लिए कि जस्ट ड्रॉप इट, कि बस अब इस बात को छोड़ दो, ख़त्म कर दो, इसको यहीं पे ख़त्म कर दो, जस्ट ड्रॉप इट। इसी तरह से जो नेक्स्ट वन है जस्ट लेट इट गो। लेट इट गो का मतलब ये होता है कि बस इसको जाने दो, अब ये जो बात हो गई है बस इसको जाने दो, अब इसको ख़त्म कर दो, इसको मज़ीद तूल देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों जो है ना जस्ट ड्रॉप इट एंड जस्ट लेट इट गो जो है, ये दोनों ही ऐसे सिचुएशन में यूज़ हो सकते हैं जहाँ पर आपको लगे कि बात खाम खाम में तूल पकड़ रही है और खाम खाम में बहस हो रही है, और जो ही ये बहस जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी तो मज़ीद झगड़ा बढ़ने की जो है ना वो चांसेस हैं। तो ऐसी सिचुएशन आप ये दोनों फ्रेजेस यूज कर सकते हैं कि यार बस जस्ट ड्रॉप इट, या जस्ट लेट इट गो, बस इसको छोड़ दो, और नाउ गेट ऑन विद आवर वर्क, कि बस अब हम अपने कामों में लग जाएं और ये जो बात हम जो भी बहस हो रही है बस इसको छोड़ दो, इस पॉइंट को यहीं छोड़ दो। नेक्स्ट वन इज जस्ट टेक अ ब्रेथ। जस्ट टेक अ ब्रेथ आप ऐसी जगह पे कह रहे हैं कि जैसे आपके सामने वाला जो इंसान है वो एकदम से उसको किसी भी बात पे गुस्सा आया है और वो गुस्से में जो है ना वो हाइपर हो रहा है, तो अगर वो हाइपर हो रहा है ना तो आप उसको थोड़ा काम डाउन करने के लिए कहते हैं यार जस्ट टेक अ ब्रेथ,
कि ज़रा सांस लो, वो जैसे ना जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, कि गहरी सांस लो, तो उसकी जगह पे आप ये भी कह सकते हैं जस्ट टेक अ ब्रेथ। डीप ब्रेथ की जगह पे आप जस्ट टेक अ सिंपल जस्ट टेक अ ब्रेथ भी बोल सकते हैं कि बस सांस लो, ताकि तुम्हारा जो जो गुस्सा है ना, ये जो पारा तुम्हारा हाई हुआ हुआ है, ये थोड़ा नीचे आए। काउंट टू टेन, काउंट टू टेन आपने अक्सर सुना होगा ना कि अगर कोई गुस्से में, तो कहते हैं यार 10 10 तक गिनो तुम, ताकि तुम्हारा जो ना वो गुस्सा नीचे आए। किसी बात पे भी खाम खा में कोई इंसान गुस्सा कर रहा हो ना, तो आप उसको मजाक में बोल सकते हैं काउंट टू टेन, कि भाई तुम ना ऐसा करो 10 तक गिनो, ताकि ये जो तुम्हें जिस बात पर गुस्सा चढ़ा हुआ है ना, ये थोड़ा नीचे। स्टेडी ऑन, अच्छा स्टेडी ऑन जो है ना, वो आप ऐसी जगह पे कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त आपके किसी दूसरे दोस्त के, जो आपका बड़ा क्लोज फ्रेंड हो, या कोई भी ऐसा करीबी आपका इंसान हो, उसके बारे में कोई ऐसी बातें कह रहा हो जो कि इंतहाई बुरी हो। मतलब वो कह रहा हो कि यार ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, ये इंतहाई बुरा इंसान है, इसमें ये बुरी है, और आपको ना उसके कहने वाले जो अल्फाज है ना, वो इंतहाई नामुनासिब लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बहुत गलत किस्म की बात कर रहा है, तो आप ऐसी सिचुएशन में उसको कह सकते हैं स्टडी ऑन यू आर टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड, कि मतलब कि बस करो, तुम जो बात ये कह रहे हो ना, तुम मेरे दोस्त के बारे में बात कर रहे हो, और ये इंतहाई गैर मुनासिब है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि तुम मेरे दोस्त के बारे में ऐसी फजूल किस्म की बातें कह रहे हो। तो कोई इंसान अगर इंतहाई नामुनासिब किस्म की बातें आपके आपसे रिलेटेड किसी इंसान के साथ, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी आपका रिलेटिव हो, या आपका कोई बड़ा क्लोज दोस्त हो जिसके बारे में आप कुछ बुरा सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन एक तीसरा इंसान आपके मुंह पे आपके सामने कुछ बुरा बोल रहा है उसके बारे में, तो उसको जो वहां पर स्टॉप करने के लिए, कंटेन करने के लिए आप ये बोल सकते हैं स्टडी ऑन यू आर टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड, या यू आर टॉकिंग अबाउट माई ब्रदर, तो ये जो तुम्हारे अल्फाज है ना, ये इंतहाई नामुनासिब है। टेक अ चिल पिल, ये बहुत ही कॉमन है और अक्सर आपने सुना होगा, मूवीज़ वगैरह में भी बड़ा यूज़ होता है, और मतलब टीवी वगैरह पे प्लेज वगैरह में बहुत यूज़ होता है टेक अ चिल पिल। ये स्लैंग है और इसका मतलब यही होता है, दूसरा इंसान अगर खाम खा में किसी बात पे स्ट्रेस आउट हो रहा है, और खाम खा में उसको गुस्सा चढ़ रहा है, तो ये बहुत ही क्यूट अंदाज़ है, बड़ा ही वो चिल सा अंदाज़ है दूसरे इंसान को कहने के लिए टेक अ चिल पिल, मतलब रिलैक्स रहो, काम डाउन रहो, अभी खाम खा में क्यों सीरियस हो रहे हो। हाउ अबाउट अ बिग हग, अच्छा ये जो है ना, ये बहुत ही क्यूट है ये वाली फ्रेज, और बहुत ही ना इसमें मतलब अपनाइयत है इसके अंदर। कोई आपका दोस्त है, या आपका भाई है, या आपकी बहन है, या समटाइम्स मतलब कि आप अपने पेरेंट्स के लिए भी इवन के ये यूज़ कर सकते हो, तो समटाइम्स होता है ना, अम्मी अब्बू को गुस्सा चढ़ गया किसी बात पे, और खाम खाम में आपको डांट रही है, खाम खाम में एंग्री हो रहा है, तो उस वक्त सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए ना, बहुत क्यूट अंदाज से कह सकते हैं हाउ अबाउट अ बिग हग, कि क्या ख्याल है कि अगर मैं आपको एक बहुत बिग सी हग दूँ, आपको मतलब कि गले से लगा लूँ, तो ये, और फिर आप बढ़ के आगे उस इंसान को गले से लगा लें, तो वो उसी वक्त जो ना, ये उस इंसान का जो गुस्सा है वो काफ़ी हद तक जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इट दिस इज़ वेरी क्यूट। ओके फ्रेंड्स, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन। इफ़ यू फाउंड दिस लेसन यूजफुल एंड वॉन्ट मी टू मेक मोर लेसन्स लाइक दिस, देन शो मी योर लव बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इट रियली मोटिवेट्स मी टू पुट इन मोर एफर्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।